टेंथ क्लास। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन है, मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर क्या किया गया, सिलेंडर की शेप में बना दिया गया ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है। जब एक चीज़ को पिघलाकर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो हमेशा वॉल्यूम के फॉर्मूले लगते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ स्फीयर, इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, वॉल्यूम स्फीयर का फॉर्म होता है 4.3 पाई आर की क्यूब। तो लिखेंगे 4.3 पाई का पाई, रेडियस 4.2 की क्यूब। अब इस समय हमने पाई की वैल्यू पाई रहने देनी क्योंकि वो कट हो जाएंगे। उसके बाद सिलेंडर का रेडियस दिया हुआ है हमें 6 सेंटीमीटर। लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट नहीं दी हुई है, लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एच एंड वॉल्यूम सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का पाई, रेडियस 6 की स्क्वायर, एच का एच। अब दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हमें ये में पाई इंटू 6 की स्क्वायर इंटू एच, और वॉल्यूम स्फीयर का 4.3 पाई टू 4.2 की क्यूब। अब दोनों को इक्वल कर देते हैं अपन h की वैल्यू निकालने के लिए। तो h हमारे पास हो जाएगा 4.3 पाई, 4.2 की क्यूब है इसको, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 अपॉन पाई 6 की स्क्वायर 6 इंटू 6। पाई से पाई कट देते हैं, 3 से इसकी कटिंग कर लेते हैं, 3 1 का 3, 3 4 का 12, 6 7 का 42 0.7 अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 1.477 7 7 का 49 49 4 का 198 198 को 14 से मल्टीप्लाई कर देते, 8 4 का 32 9 4 का 36 और 3 39 437 2 198 2 8 16 17 17। ये हमारे पास हो गया 2772 डेसिमल 3 प्लेस बाद यहाँ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एंड में हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2.772 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया।